देखते रहिए UBN0@जिला साजापुर से कैमरामैन फूलचंद अहिरवार के साथ मुकेश अहिरवार की रिपोर्ट। कलेक्टर जिला साजापुर दिनेश जैन के निर्देश अनुसार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती निशा सिंह के मार्गदर्शन में COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए 30 दिन से सिलाई प्रशिक्षण का समापन आज दिनांक 30 जुलाई 2020 को उत्कृष्ट विद्यालय काला पीपल में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक NRLM महेंद्र कुमार व्यास, SLC श्री शर्मा, निर्देशक RCT LDM प्रतिनिधि प्रिया की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आयोजित प्रशिक्षण में ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह के 36 सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। श्री व्यास द्वारा बताया गया कि आगामी माह में शासकीय शालाओं में छात्र छात्राओं को गणवेश वितरण का कार्य समूह द्वारा किया जाएगा। देखते रहिए UBN0@, ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। इसके बाद क्या करना है और शासन के अधिकारियों आपको बता दिया है कि अभी आपकी दिशा दशा क्या होती है, आप उस तरफ अगर कुछ मार्गदर्शन भेज रहे हो तो जरूर लीजिए। अकेले निर्देश करना अकेले कीजिए, समूह में करना समूह में कीजिए और सब लोग आपस में ग्रुप बना लीजिए। बच्चे लोग जानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप कैसे बनाया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना के टच में रहिए, एक दूसरे की मदद कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरा जो समूह है, ये जैसा सामने बताया कि यहाँ पर एक सिलाई केंद्र बड़े पैमाने पर खोलना है, तो वो जिम्मेदारी ये समूह अकेला ही उठा पाने में सक्षम है। मेरी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद।